जनपद में बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा है, जिससे कई गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित बढ़लगंज और गोला क्षेत्र है। बढ़लगंज में घाघरा नदी के कारण और गोला में राप्ती नदी के कारण गाँव प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त नाव की व्यवस्था की गई है और मिट्टी का तेल, बिस्किट, पानी की बोतल, पानी के पाउच तथा लंच पैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोला क्षेत्र में 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जनपद में करीब 200 गांव प्रभावित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही अभी डेंजर लेवल से ऊपर चल रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारा क्षेत्र है वो बढ़लगंज और गोला है। बढ़लगंज में घाघरा नदी के कारण और राप्ती के कारण स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। हमने जिला प्रशासन की तरफ से और आपदा की तरफ से वहाँ पे पर्याप्त नावों की व्यवस्था कर रखी है। आज अभी मिट्टी का तेल मंगा लिया गया है जो शीघ्र ही डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। सूखा खाना भी, जिसमें बिस्किट है, पानी की बोतलें हैं, पानी का पाउच है, पेयजल है, सभी चीज़ें वहाँ के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर, कितने गांव प्रभावित हैं? गोला क्षेत्र के 100 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं और पूरे जनपद के लगभग 200 गांव प्रभावित हो गए हैं।